सिद्धार्थनगर में विकासखंड लोटन के हिंदू युवा वाहिनी जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ। वायरल ऑडियो में उन्होंने अपने ही पदाधिकारी से अभद्रता के साथ बात की। दरअसल ये पूरा मामला हाथरस रेप पीड़िता के परिजनों को न्याय व रेपिस्टों को फांसी दिलाने को लेकर लोटन में निकाले गए कैंडल मार्च पर हुआ। आप खुद ही सुने किस तरह से ऑडियो में ही युवा पदाधिकारी अपनी सत्ता का रौब अपने ही पदाधिकारी पर झाड़ने में लगे हुए। हेलो हेलो, हरिओम भैया। हरिओम, कोई वाला कमेंट मत किया करो। कहाँ पे? किसी में हाथरस वाले कान में जान रहे क्या हुआ है? तो किसपे कमेंट हुआ है? क्या ये ट्वीट करके क्या डाला है तूने व्हाट्सएप पे? व्हाट्सएप पे? हाँ। अच्छा कमेंट। हाँ तो क्या हुआ? क्या हुआ हाथरस वाले कान में जान रहे क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्या हुआ बताओ तुम। नहीं मतलब मैंने क्या गलत डाला उसमें? क्या तुमने सही डाला है? नहीं मतलब क्या गलत है आप बताइए तो उसमें। तुम तो बताओ यार क्या सही डाले हो। एक मिनट हम देखना। अरे हम देखे पहले और कल कहाँ गए थे? कल कहाँ गए थे कैंडल मार्च निकालने? कल तो लोटन में। तो तुम्हें आना है कि नहीं संगठन में ये बताओ। इसे अब इंसाफ के लिए तो भैया गुहार तो लगाना ही पड़ेगा। किस इंसाफ के लिए गुहार लगाओगे साले? जब अपने पे पड़ती है तब गुहार कहाँ लगाते हो? नहीं तो कौन सा इंडियन आता तुम्हें बचाने? नहीं तो देखिए अब उसके साथ जब न्यायिक जो नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? क्या नहीं मिला उसके साथ तुम क्या कर सकते हो? हम नहीं कर सकते हैं तो कौन कर सकता है? हम ही जैसे लोग तो आज न्याय के लिए दौड़ रहे हैं। क्या कर सकते हो? तो संगठन से निकल जाओ मेरे, तुम एबीपी में जुड़ जाओ, क्या करना है? संगठन की बात नहीं है, बात तो उसकी न्याय की है। न्याय की है तुम न्याय जाके दिला दोगे? क्या सही है पहले सही गलत पहचाना करो तब न्याय की बात क्या करो। या हम न्याय नहीं दिला सकते हैं? कहा जो नेता जा रहे हैं विपक्षी विपक्षी जा रहे हैं कहा न्याय दिला देंगे उनको? तो विपक्षी के अपने उल्लू का दुम सीधा करने जा रहे हैं, उन्हें तो राजनीति करना है, विधायक ही लड़ना, तुम्हें भी लड़ना है, तुम भी बार जाओ अनशन पे। नहीं तो ये चीज तो जो आप बोल रहे हैं ये तो बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं कि भाई न्याय के लिए तो हर आदमी कहीं भी जा सकता है। तो तुम भी बाहर जाओ ना अनशन पे, संगठन से हमारे निकल जाओ, कहीं भी जाओ, मुझे आपत्ति नहीं है। नहीं तो हम ये तो कोई बात नहीं होगा, हम किसी संगठन से गए थे, हम लोटन में थे भाई, सब कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है उसमें? कई लोग थे कोई उसमें, कोई संगठन के थे का? किसी संगठन के कोई लोग? क्यों नहीं संगठन से थे सब? उसमें क्या लिख के डलवाए हो? क्या लिख के पड़ा है फेसबुक पे? एबीवीपी के लोग हैं तो उसमें कोई नहीं, सिर्फ वही अनुराग है तो है। नहीं अनुराग तो हो चाहे कुछ भी हो, कि अगर किसी का काम पड़ता तो अजय सिंह के पास आते हैं कि नहीं एबीपी के पास जाते हैं? अगर तुम्हारा कोई काम पड़े एबीपी के पास जाना तो बताओ, संगठन से निकलते तो उसके बाद जाओ। नहीं भैया पहले आप बात सुनिए, अगर आपकी कैंडल मार्च होती तो आप में भी हम शामिल होते। तो हमारी कैंडल मार्च नहीं, मैं वाला काम नहीं करता, अगर संगठन में हो तब मैं बुलाता हूँ, फालतू में नहीं बुलाता हूँ। हाँ तो जब उसमें संगठन किसी मर्यादा से चलता है, जो भी कुछ हो संगठन मर्यादा से चलता है। पीयूष सिंह का फोटो देखे क्या लगाया फेसबुक पे? पीयूष सिंह को निकाला गया, जान रहे हो तुम? पीयूष सिंह को निकाला गया तो क्यों बार बार हिंदी वाहिनी का लिख रहे हैं? क्यों नहीं आप उनको मना कर देते? तुम भी लिखो। नहीं हम तो ठीक है, वो तो बात सही है, जो हमको लिखने तो दूसरे की बात क्यों करता? जब वो निकाले गए हैं उन्हें मना कर दिया गया, जबरदस्ती लिख रहे हैं, दुनिया आजाद है, कोई कुछ भी कर सकता है, तुम भी आजाद हो, कुछ भी कर सकते हो। तुम मुझसे कह दो भैया कि हम नहीं कर पाएंगे, हमें निकाल दीजिए, तो तुम भी लिखो तो मुझे आपत्ति नहीं रहेगा ना। तो ये चीज ग्रुप में बताना चाहिए कि पीयूष सिंह को निकाल दिया गया। बताएं किसके बताएं? कितना बैठक हुआ? कितने बैठक में आए हो? हमको बैठक का भी सूचना नहीं मिलता है। कैसे सूचना मिलेगा? ग्रुप में हो? ग्रुप में ये ग्रुप है मेरे में, कोई मैसेज नहीं आता उसमें। कौन से तुम्हारे ग्रुप में मैसेज आएगा? जब तुम्हें लौंडियाबाजी फुर्सत मिलेगा तब ना आओगे? लौंडियाबाजी का 24 घंटा आपके लोटन में ही जब हम रहते हैं। 24 घंटा कभी संपर्क किया तूने मुझसे? जब कोई काम अड़सता है तब कहते हो जब भैया ये काम मेरा अड़स गया है। नहीं वो चीज सही है, लेकिन जो वो चीज सही नहीं है। पहले किया की तरह कोई चीज अगर संगठन में हो, संगठित आदमी जो तुमसे ऊपर पदाधिकारी हैं उनसे राय लेके तब किया करो। मुझसे कोई ज्यादा नहीं लोटन में करने वाला है, सब साले मेरा देख ही देखा करते हैं। बात अगर कुछ भी हो लेकिन ये चीज आज पूरा देश लड़ रहा है तो उसमें कोई गलती नहीं है। ये कि नंदन किसी ने मोरे मुझसे गाली निकल रहा है, कौन देश लड़ रहा है? उसमें राजनीतिक के अलावा और कोई आदमी गया है? राजनीति के अलावा नहीं, चलिए ठीक है वो तो बात सही है, लेकिन जब न्याय नहीं मिलेगा तो हर एक आदमी गुहार लगाएगा भैया। ये चीज मत नंदन मेरा दिमाग मत खराब करो। आप कह रहे हैं
चलिए ठीक है, संगठन की बात नहीं, इसमें वही चीज क्यों पूरा देश लड़ रहा है? पहले कौन सा देश लड़ रहा है? पूरा भारत न्याय के लिए गुहार लगा रहा भैया, ये नहीं लड़ रहा है। सिर्फ कोई ये नहीं, कोई नहीं लड़ रहा है, सिर्फ ये बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं गए, नहीं तो सभी सभी का एक चीज थोड़ी ना कि भाई एक राजनीति कर रहा है। राजनीति पहले बात सुन हमारी, तू कार्यकर्ता है, जब वहाँ जाता था मैं मानता कुछ तूने आके गुहार लगा रहा है, कोई आम पब्लिक वहीं गया हो तो बताना मुझसे, गोरखपुर से, महाराजगंज से, कहीं से, उड़ीसा से, विदेश से, बंबई से, कहीं कोई गया तो बताना। देखिए कम गए वहाँ, कम गए, कौन गया नाम बता दे मुझे। यहाँ के नहीं गए, एक ही पार्टी है जो राजनीति कर रही है। फालतू सारी केवल वही है, पहले उसकी सच्चाई जान। अच्छा चलिए ठीक है भैया, वो लोग एक मिनट, वो लोग राजनीति खेल रहे हैं, हम लोग किस लिए राजनीति खेल रहे हैं? हम लोग किस लिए राजनीति खेलेंगे भाई, कैंडल मार्च तो निकाले हैं। कर पाओ, सुनो, कुछ कर पाओ तब कोई काम किया करो, ऐसा नहीं कुछ ना कर पाए। जो आप कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि आपने गलत किया, उसमें क्या गलत किया? वो लोग राजनीति खेलने, हम लोग का राजनीति खेलेंगे, हम लोग को राजनीति खेलने से क्या? तुझे रहना ही नहीं है बड़ा, तुझे संगठन में रहना, तुझे संगठन रहने की बात नहीं है भैया। देखिए रहने की बात नहीं है, आप ये चीज कह रहे हैं तुमने ये गलत किया वो गलत किया, मैंने उसमें क्या गलत किया? अरे जो अच्छी चीजें हो तो गलत वाली बात हो मान लेते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन अब ये चीज तू ये बता यार, डायरेक्ट मुझसे बात कर, जाने दे, चाहे तू गलत किया चाहे सही किया, पूरी तरह से मैं नॉमिनेटेड हूँ, तू नॉमिनेटेड है, बबलू पांडे की बस की बात नहीं की जो ब्लॉक चला लें, चलाना मुझे को पड़ेगा, तुझे रहना ही नहीं, ये बता। इसके बाद से कोई फैल भी लेके आएगा तो हम कहेंगे ना जिसके पास गया था वहाँ जा, ये नहीं ना मुझे रहेगा तू मेरे संगठन का है। वो चीज अलग बात है, ये चीज आप पहले सुनिए, पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, ये चीज आप पूछते हैं कि रुदल आप उसमें रहना चाहते हो नहीं रहना चाहते हो, तो हम इसका जवाब देते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपने गलत किया ये किया, क्या गलत किया? चल ठीक है, मैंने सारी बात छोड़ दिया, तूने नहीं गलत किया, बहुत नीक काम किया, ठीक है, अवार्ड पा जाएगा, सम्मानित हो जाएगा, तू रहना चाह रहा नहीं ये बता। भैया आप जब हर एक बात में रिमांड लेते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। नहीं मैं रिमांड वाला ही काम कर रहा हूँ, तुझे रहना ही नहीं रहना मुझे। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप भी फैसला करें कि आखिर कौन सही है और कौन गलत। सिद्धार्थनगर से अश्विनी कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।